हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैमरा। और मैं मिलन दत्ता आज बहुत ही एक अच्छा लेंस लेकर आया हूँ अनबॉक्सिंग करने के लिए। वो लेंस है RF 35mm 1.8 लेंस। ये लेंस मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और दिखाऊंगा इस लेंस का जो क्या क्वालिटी है। इस लेंस में बिल्ट इन मैक्रो भी है, तो 35mm लेंस आप पोर्ट्रेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप प्रोडक्ट शूट भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर इस लेंस में अगर मैक्रो हो जाता है तो और भी बढ़िया, क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है मैक्रो शॉट्स ज़रूर हो जाता है लेना, तो ये लेंस में आप मैक्रो भी ले सकते हो। तो जो लोग पोर्ट्रेट लेते हो, जो लोग वेडिंग करते हो, उनके लिए ये लेंस बहुत ही खास है। तो चलिए इस लेंस को मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। जल्दी से करता हूँ इसको अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने से पहले ही सामने आ जाता है यहाँ पर वारंटी कार्ड और मैनुअल, और ये पूरा प्रोटेक्शन के साथ ये लेंस। बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही छोटा, बहुत ही अच्छा साइज़ का ये लेंस। ये लेंस में यहाँ पर मिल जाता है फोकसिंग रिंग, यहाँ पर आप मैनुअल फोकस कर सकते हो, और यहाँ पर यह डेडिकेटेडली कंट्रोल रिंग। यहाँ पर आप कोई भी सेटिंग्स, अपर्चर, शटर स्पीड, ISO या केल्विन, कोई भी सेटिंग्स आप यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। तो जो लेंस कैप है, मतलब फ़िल्टर साइज़ जो है 52mm का है फ़िल्टर साइज़। और इस लेंस में आपको मैक्रो भी मिलेगा 0.5x तक। तो ये बहुत ही ख़ास लेंस है, आपको एक अच्छा पोर्ट्रेट लेंस, जैसे वाइट पोर्ट्रेट लेंस, और उसके साथ आपको मैक्रो भी मिलता है। तो मैक्रो शॉट हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे कि कैसे इसका रिज़ल्ट आता है। तो इसके पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि इस लेंस में क्या कितना एलिमेंट्स और कितना 305 ग्राम इसका वेट है। और अपर्चर ब्लेड, इसमें अपर्चर ब्लेड 9 अपर्चर ब्लेड है, तो इसमें बोके भी बहुत अच्छा आता है, शेप भी बहुत अच्छा है बोके का आता है। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ अपर्चर, ये 22 तक ही अपर्चर, मतलब मिनिमम जो अपर्चर है 22 तक जाता है। और इसका मैग्नीफिकेशन मैंने आपको बताया 0.5x तक ही इसका मैग्नीफिकेशन से, और 63 डिग्री से एंगल ऑफ व्यू इसमें आपको मिलेगा। और कंस्ट्रक्शंस, मतलब ग्रुप और एलिमेंट की बात की जाए, तो इसमें आपका जो 9 ग्रुप्स और 11 एलिमेंट के साथ ये लेंस बनाया गया है। और अगर आप देखोगे कि बैक साइड में भी इसका पूरा मेटल का है इस लेंस में, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। बैक साइड प्लास्टिक नहीं है, इसमें मेटल है। तो चलिए इसका क्वालिटी एक बार चेक करते हैं और देखते हैं इसका क्या मैक्रो रिज़ल्ट निकल के आता है। तो मैं इसको अटैच कर रहा हूँ R6 Mark II के साथ, इसको अटैच करके देखते हैं इसका मैग्निफिकेशंस, उसका फोकसिंग। तो मैंने इसको अटैच कर दिया है R6 Mark II में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि मैं कितना क्लोज जा रहा हूँ और फोकस भी कितना अच्छा ले रहा है, यहाँ पर कितना क्लोज अप मैक्रो यहाँ पर ले पा रहा है कैमरा। फोटो की बात की जाए तो हर एक पिन आपको यहाँ पर शार्प दिखेगा। मैंने एक लेंस का ही फ़ोटो लिया चेक करने के लिए, तो बहुत ही यहाँ पर मैक्रो आता है। तो जब भी आप ये क्लोज़अप जाता है तो ये लेंस क्या हो जाता है, यहाँ पर ये अपने आप जो एलिमेंट है ये बाहर निकल के आ जाता है, आप यहाँ पर आप देख पाओगे। तो बहुत ही एक इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा लेंस है। इसका मार्केट जो प्राइस है, मतलब MRP जो है इसका 45,995 इसका MRP है। तो आपको अगर एक अच्छा बजट में एक अच्छा पोर्ट्रेट विद मैक्रो लेंस चाहिए आपके वेडिंग के लिए, आपके पोर्ट्रेट के लिए और अच्छा फोटोग्राफ्स के लिए, तो आप ये RF 35mm लेंस देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको अपर्चर 1.8 मिलता है और आपको यहाँ पर इसमें मैक्रो भी मिलता है। तो लो लाइट के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो खास इस लेंस में है, इसमें आपको IS, मतलब इमेज स्टेबलाइजेशन अप टू 5 स्टॉप तक आपको मिल जाता है इस लेंस में, तो बेटर आप लो लाइट में फोटोग्राफी कर पाते हो। तो अगर अच्छा लगा यह लेंस, अगर इस लेंस लेकर आपको कोई भी कमेंट्स आपको करना चाहते हो तो आप ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल में अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अभी के लिए थैंक यू।